What's up guys, Twenzy here. Alright, there is nothing wrong to being a short guy. Seriously, nothing. अगर guys लंबी height वालों के लिए fashion है, मोटे लोगों के लिए fashion है, पतले लोगों के लिए fashion है, तो भाई short लोगों के लिए भी fashion है. Even guys हमारे Bollywood के जितने भी खान हैं, guys ये सारे भी जो है वो 5 to 5.5, 5.6 इसी range के बीच में आते हैं. And guys आज की video में हम बात करने वाले हैं 5 fashion tips for short guy. And guys video के end में आपको मिलेगी Twenzy की pro tip जो आपको किसी भी कीमत पे miss नहीं करनी चाहिए, तो video को end तक जरूर देखें. तो guys स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने भाई की वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से जाके भाई की वीडियो को लाइक कर दो, सपोर्ट करो भाई को. और गाइस अगर आपने अभी तक सो ट्वेंजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से दबा देना. लेट्स बिगिन. द फर्स्ट टिप इज वेयर वर्टिकल स्ट्राइप्स. गाइज मैंने पहले जो है वो पतले लोगों के फैशन टिप में आपको समझाया था कि अगर आप जो है वो थोड़े पतले हैं तो आपको जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाली जो है वो शर्ट्स या फिर टी शर्ट जो है वो वेयर करनी है. एंड गाइज सिमिलरली अगर आप जो है वो थोड़े से शॉर्ट हैं तो आपको जो है वो वर्टिकल लाइंस वाली जो है वो शर्ट टी शर्ट या भी जो भी आप डाल रहे हो वो जो है वो वर्टिकल लाइन वाला जो है वो ज्यादा डालना है. ये गाइज क्या करता है, ये जो है वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है और आपको जो है वो थोड़ा सा सटल और जो है वो लंबा दिखाता है. और अगर गाइज आप जो है वो शर्ट डाल रहे हैं तो आप जो है वो उसको टक इन करके यानी कि जो है वो पैंट के अंदर टक इन करके डालिए और एक सेक्सी सी बेल्ट के साथ उसको डालिए. अगर आप जो है वो शर्ट को बाहर निकालेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जो है वो आपकी शॉर्ट हाइट को ज्यादा हाईलाइट करेगा. सेकंड टिप इज वेयर राइट फिट. गाइज ज्यादातर लंबे लोगों के लिए ये चल जाता है, लेकिन गाइज अगर आपकी हाइट जो है वो छोटी है तो आप जो है वो टेलर को अपना दोस्त बना लीजिए. खास करके गाइज पैंट्स और जीन्स आपने कभी भी बिना अल्टर करे नहीं डालनी. एंड गाइस जो ये बेल बॉटम और ये जो बैगी पैंट्स होती हैं बैग से, इनसे तो आपने दूर रहना ही है, ये और ज्यादा शॉर्ट दिखाती हैं आपकी हाइट को. एंड गाइस उसके अलावा आप कुछ भी डालें, जींस डालें, चीनो डालें, इसकी जो है वो लेंथ आपको जो है वो जरूर से अल्टर करवानी है. आप जो है अपने टेलर को बता सकते हैं, आपको जो उसकी लेंथ रखवानी है वो आपके एंकल से जो है वो थोड़ी सी ऊपर रखवानी है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूं. आपको जो है वो इस तरीके की लेंथ रखवानी है. कहने का मतलब यह है कि आपको जो है शूज है वो कवर नहीं होने चाहिए, आपके शूज जो है वो प्रॉपरली एक्सपोज होने चाहिए, प्रॉपर दिखने चाहिए, आप कुछ भी डालो. थर्ड टिप इज एक्स्ट्रा शू सोल. ये भी गाइस बहुत कमाल का ट्रिक है जो आपकी हाइट में जो है वो फ्यू इंचेस ऐड कर सकता है. और ये गाइस किसी को दिखता भी नहीं है, बस आपको करना क्या है, इफ यू हैव सम रूम इन योर शू, आपको जो है वो मोची के पास जाना है, आपको जो है वो उसके पास काफी सारी सोल्स मिल जाएंगी, आपको जो है वो थोड़ी सी मोटी देखनी है, जो इनसोल आपको जो है वो थोड़ी सी मोटी दिख, उसको जो है वो गाइस डलवा लीजिए एंड दैट्स इट, एंजॉय योर न्यू हाइट. एंड गाइज अगर आपके शू में अभी जगह नहीं है, आपका शू जो है वो बिल्कुल आपको फिट है, मतलब एज टू एज फिट है, तो आप जो है वो जो नेक्स्ट शू आप लेने जाएंगे उसमें इसको ट्राई कर सकते हो, या फिर आप शू ही ऐसा लीजिए जिसकी सोल जो है वो थोड़ी सी मोटी हो. फोर्थ टिप इज राइट हेयर स्टाइल. ये भी गाइज बहुत कमाल की चीज है जो आपको जो है वो थोड़ा और ज्यादा लंबा दिखाने में हेल्प कर सकती है. बस आपको करना क्या है, सही हेयर स्टाइल जो है वो करके रखना है. कौन सा, ये वाला. कहने का मतलब क्या है गाइस, आपकी जो साइड्स हैं उसको जो है वो आपको शॉर्ट रखना है और आपकी जो अपर साइड है उसके ऊपर आपको जो है वो अच्छी वॉल्यूम रखनी है. जितना भी आप लंबा रख पाओ, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आपको रखना है. इट विल क्रिएट ए इल्यूजन और आपकी ओवरऑल हाइट को जो है वो थोड़ा सा लंबा दिखाएगा. एंड डोंट डू दिस, टिकटॉक जा चुका है. फिफ्थ टिप इज वेयर राइट कलर्स. ऑब्वियसली गाइज कलर साइंस मैटर्स अलॉट और मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूंगा जो आपकी जो है वो लोअर साइड है यानी कि जो आपकी पैंट या फिर आपकी जो है वो शूज जहां से जो है वो गाइज रियल हाइट का पता लगता है ऑब्वियसली योर लेग्स, वहां पे गाइज आप जो है वो ब्राइट कलर यानी कि जो कलर्स पॉप होते हैं वो ज्यादा ना डाले. वहां पे आप जो है वो थोड़े से सटल और जो है वो थोड़े से डार्क कलर लाइक ब्लैक, डार्क ग्रे, इस टाइप के कलर जो है वो ज्यादा वेयर करें जो कि गाइज ज्यादा हाईलाइट ना हो और अलग से चमके ना. एंड गाइज शूज ऑब्वियसली डोंट वेयर ब्राइट एंड अटेंशन ग्रैबिंग शूज लाइक दिस, जो कि गाइज ये बड़े बड़े शूज होते हैं, ये गाइज ना ही आपके ऊपर अच्छे लगेंगे और आपकी हाइट को जो है वो थोड़ा और छोटा दिखाएंगे. ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ बूट्स जो है वो लड़कों को डालने पसंद है, लेकिन जो इस टाइप के बूट्स होते हैं गाइज अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप इसको ना डालें, ये लंबे लोगों को ही डालने दें, उन्हीं पे अच्छे लगते हैं. सटल कलर्स, सटल शेप ऑफ शूज, ग्रेट. तो गाइज अब बात करते हैं ट्रेंड्स की प्रो टिप की, विच इज बी कॉन्फिडेंट. गाइज कपड़े वपड़े अपनी जगह ठीक है, वो तो अपना काम कर ही देंगे, लेकिन गाइज अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ही अंडर कॉन्फिडेंट है लाइक दिस एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट यू आर वेयरिंग, भाई ज़ारा डाल लो या H&M डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. कॉन्फिडेंट एक ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनालिटी को एक नेक्स्ट लेवल दिखाता है. फैशन की टेंशन आप भाई पे छोड़ दो, फैशन मिस्टेक तो आप कर ही नहीं सकते बिकॉज यू आर सब्सक्राइबर ऑफ सो ट्वेंजी, लेकिन गाइज अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कुछ काम नहीं करेगा. तो गाइज फैशन की टेंशन आप अपने भाई पे छोड़ दो, बी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर, शोल्डर बैक, चिन अप, देखते हैं कैसे स्टाइलिश नहीं लगते आप. Alright guys, तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना. और अभी तक भाई की वीडियो को लाइक नहीं किया तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे, कर दो भाई, कर दो अब तो कर दो. एंड गाइज अगर आपने अभी तक सो ट्वेंजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना. मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड पीस, यू कैन डू एनीथिंग.